नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में विभाग बने लापरवाह, सरकार को लगाया जा रहा करोड़ों के राजस्व का चूना, कैग की रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। धामी सरकार के बजट पर बोले सांसद निशंक, कहा हर वर्ग का रखा जा रहा ख्याल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन पर रहा खास फोकस। अंकिता हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों के कोर्ट द्वार, एडीजे कोर्ट में आरोप तय, अंकित और पुलकित की जमानत याचिका खारिज, 28 मार्च को फिर होगी सुनवाई। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने संभाला मोर्चा, सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश, हर रूट पर दिखेगी उत्तराखंड संस्कृति की झलक। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और अब बात करते हैं अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट की। गैरसैंण में जहां धामी सरकार इस बार 77,407 करोड़ का बजट पेश कर अति उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं एक ये भी सच है कि अगले साल तक उत्तराखंड के ऊपर बजट के बराबर ही कर्ज हो जाएगा। वहीं हाल ही में आईकैक के रिपोर्ट से कई खुलासे सामने आए हैं, जिसमें ये पाया गया है कि उत्तराखंड सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विभाग बने लापरवाह, सरकार को लगाया करोड़ों के राजस्व का चूना, कैग की रिपोर्ट में कई खुलासे। एक तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार 77,000 करोड़ का बजट पेश कर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगले साल तक उत्तराखंड के ऊपर बजट के बराबर ही कर्ज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, उत्तराखंड सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान पहुँचा है। बता दें कि गैरसैंण में बजट सत्र के बाद विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी गई। कैग ने राज्य के 55 विभागों, 32 सार्वजनिक उपक्रमों और 53 दूसरी संस्थाओं की राजस्व वसूली और भुगतान की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पाया गया कि बागेश्वर और चमोली के जिला खनन अधिकारियों ने अवैध खनन भंडार पर जुर्माना नहीं लगाया, जिसके कारण 1,24,00,000 रुपए के राजस्व की हानि हुई है। कैग ने राज्य में खनन की चोरी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। देहरादून में 3 जगहों पर कैग को अवैध खनन के प्रमाण मिले। देहरादून में सरकार के निर्माण एजेंसियों ने 37.17 लाख मीट्रिक टन अवैध खनन सामग्री का उपयोग किया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अधिकारी ही अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण राज्य में धड़ल्ले से अवैध खनन हुआ और राज्य को भारी नुकसान पहुँचा है। वही प्रदेश के राजस्व में प्रमुख भूमिका रखने वाले राज्य कर विभाग में कारोबारियों को रिफंड जारी करने में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इससे संबंधित कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंच रहा है, जबकि सरकार को चपत लग रही है। कैग की जांच में पाया गया कि राज्य कर अधिकारियों ने विभिन्न मामलों में 21.32 करोड़ रुपए के गलत रिफंड जारी कर दिए हैं। वही कैग की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण हेली कंपनियों से परिचालन शुल्क के रूप में 2.69 करोड़ की राशि वसूल करने में विफल रहा, जिसके कारण उत्तराखंड को राजस्व की हानि हुई है। यानी कि एक तरफ तो सरकार का फोकस राज्य में रेवेन्यू बढ़ाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार द्वारा गैरसैंण में पास किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम बजट को उन्होंने जनता के प्रति समर्पित बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल भी रखने की उन्होंने ये बात कही है और गांव के अंतिम छोर तक बैठे हर व्यक्ति का बजट में ख्याल रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। दो इधर रोजगार की दिशा में चल रहा है, इधर अवस्थापना विकास की दिशा में ये बजट चल रहा है। बहुत तेजी से दोनों क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जहां आत्मनिर्भरता के रूप में भी आदमी को आश्वस्त कर रहा है, नौजवानों को आश्वस्त कर रहा है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे वो अन्य विकास के लोगों के गरीब कल्याण के क्षेत्र में हो, वह हर क्षेत्र में ये बजट आच्छादित हो रहा है, लोगों के लिए एक
प्रगतिशील बजट और उनके विश्वास का बजट ये परिलक्षित हो रहा है। गैरसैंण में चले चार दिवसीय सत्र के बाद सरकार वापस लौट चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से गैरसैंण सुनी सुनी नजर आ रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरदा ने गैरसैंण सत्र को लेकर एक ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकार को भराड़ीसैंण में फिर से ठंड लगी है, चार दिन में ही बोरिया बिस्तरा बांधकर देहरादून सरकार वापस लौट आई है। और अब बात करते हैं अंकिता हत्याकांड मामले की। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में आज तीनों आरोपियों की पेशी कोटद्वार एडीजे कोर्ट में हुई, जहां तीनों आरोपियों पर आरोप तो तय कर दिए गए, मगर तीनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को अस्वीकार कर लिया है और कोर्ट ट्रायल की प्रार्थना की है। इस मामले में हर बार एक नया मोड़ आता है और फिर उस नए मोड़ से एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती है, मगर अंकिता को न्याय कब मिलेगा इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड मामला हर बार एक नए मोड़, एक नई कहानी पर आकर थम सा जाता है। जब जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो लगता है कि अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा, मगर ना तो न्याय मिल रहा है और ना ही आरोपियों को सजा। दरअसल इस मामले में आज शनिवार को तीनों आरोपियों की पेशी कोटद्वार एडीजे कोर्ट में हुई, जहां पर तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए, मगर तीनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट ट्रायल की प्रार्थना की है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च की तारीख तय की है। साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत के प्रार्थना पत्र की याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची, लेकिन इस दौरान लोगों ने कोर्ट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में कांग्रेसी भी शामिल हुए। जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इस दौरान पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई, मगर जिस आस में प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे थे उनकी वो आस कब पूरी होगी कोई नहीं जानता। बता दें कि इस पूरे मामले को आज 6 महीने बीत चुके हैं। 18 सितंबर की रात को वनंतरा रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत की थी। करीब 3 दिनों तक इस मामले में हीला हवाली करते हुए जांच की गई, मगर जब मामला गरमाने लगा तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गई। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, वीआईपी शख्स के नाम को लेकर खूब हंगामा प्रदर्शन हुआ, मगर ना तो वीआईपी के नाम का पता चला और ना ही आरोपियों को सजा मिली। अंकिता के परिजन आज भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा ये सवाल अभी भी उठ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए कोटद्वार से भगवान सिंह की रिपोर्ट। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां तेज हो चुकी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिकुली तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य करवाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी NHI को सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाई दे इसके लिए हर सड़कों पर, हर रूट पर सभी उत्तराखंड के कल्चर की पेंटिंग भी दीवारों पर करवाई गई है। देखिए, G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है, इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और ढिकुली तक है। इसमें NHI की रोड्स पे रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है, प्लांटेशन हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर में 19 मार्च से लेकर 28 मार्च तक सरस मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस सरस मेले में 200 के लगभग स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉलों में भारत के अलग अलग राज्यों से व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंच चुके हैं और मेले को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई मशहूर कलाकार भी इस सरस मेले में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के दौरान इस बार लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर कई नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए इस बार कुछ खास नियम लागू किए जा सकते हैं। इसमें एक नियम ऐसा हो सकता है जिसमें यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स का धंधा चौपट हो सकता है। जी हां, इस बार चार धाम यात्रा के दौरान फोन ले जाना बंद किया जा सकता है। इस फैसले पर बद्री केदार समिति मंदिर की जो समिति है वो गंभीरता से विचार कर रही है। ये जो अफवाह फैलाता है इस तरह के, उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस बार हम अपना जो यथा वस्तु स्थिति वाली है, जो यथार्थ वाली है, उसको भी वीडियो हम बनाएंगे ड्रोन इत्यादि के माध्यम से। उसको हम काउंटर करेंगे कि जो ये इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को डराया जा रहा है या दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इस तरह के प्रकरणों को लेकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों भी देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने अफवाह इत्यादि फैलाने का काम किया है। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, इससे यहाँ की छवि के प्रतिकूल असर पड़ता है। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। रात भर से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भी भर गया। उधर कुमाऊं के उच्च हिमालय क्षेत्र और केदारनाथ में बर्फबारी भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले चार दिनों में मौसम का रुख बदला हुआ नजर आएगा। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया और इस येलो अलर्ट के बीच बद्री केदार, हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और बारिश और बर्फबारी का असर ठंड के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। और देख रहे हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है अनेक जगहों तक में, आगे भी देखें तो कल 19, 20, 21 ये तीन दिन जो आगे भी हैं, तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो उत्तराखंड में बनी रहेगी। कल आप ये कह सकते हैं कुछ जगहों तक में एक्टिविटी मिलने की संभावना है, लेकिन 20 तारीख में जो है फिर से आप देखेंगे ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं, तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में पुलिस ने घर में चल रहे शराब के बड़े गोदाम पर छापेमारी की है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौके पर पहुंची। चेकिंग करने पर दो कमरों में पुलिस ने भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उससे पहले ही शराब तस्कर वहां से फरार हो चुका था। एक किसी कमरे में जो है वो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहाँ से उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसको लेकर आज पुलिस और मैं भी मौजूद हूँ प्रशासन के रूप में और हमारी आबकारी की टीम भी है। एक जब संयुक्त छापेमारी की गई तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोतलें बरामद हो गई हैं और इसमें जो हमारी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां काठगोदाम थाना पुलिस और एसओजी टीम ने गोलापार के खेड़ा क्षेत्र से 102 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर के किच्छा का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है, जो यहां पर स्मैक की तस्करी करने के लिए आया था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही वाहन को भी बरामद कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि ये तस्कर उधम सिंह नगर से स्मैक लाकर यहाँ पर छोटे सप्लायर को बेचता था। एक साल से लगातार पुलिस द्वारा जो है बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास ये भी रहा कि कल जो है चेकिंग के दौरान पुलिस को काठगोदाम और आपका एसओजी की पुलिस चेकिंग कर रही थी, एक व्यक्ति द्वारा अपनी मोटरसाइकिल मोड़ के भागने का प्रयास किया गया, पुलिस द्वारा उसको रोका गया। उसे बैग में 102 ग्राम स्मैक मिली है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू मिला है। ये मोहम्मद आरिफ आपका किच्छा दरोगा रहने वाला है।
प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में विभाग बने लापरवाह, सरकार को लगाया जा रहा करोड़ों के राजस्व का चूना, कैग की रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। धामी सरकार के बजट पर बोले सांसद निशंक, कहा हर वर्ग का रखा जा रहा ख्याल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन पर रहा खास फोकस। अंकिता हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों के कोर्ट द्वार, एडीजे कोर्ट में आरोप तय, अंकित और पुलकित की जमानत याचिका खारिज, 28 मार्च को फिर होगी सुनवाई। रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने संभाला मोर्चा, सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश, हर रूट पर दिखेगी उत्तराखंड संस्कृति की झलक। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट।